अंकनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सट्टा लगाते पकड़ाया बीट मार्शल, पुलिस की खाकी वर्दी फिर हुई दागदार। पुलिस का काम छोड़कर सट्टाता था बीट मार्शल, जनरल स्टोर्स की आड़ में चल रहा था सट्टे का धंधा। नागपुर शहर में फिर खाकी वर्दी दागदार हो गई है। इस घटना में पुलिस की नौकरी का नाम छोड़कर सट्टा लगाने वाले बीट मार्शल को अजनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में अजनी थाने के बीट मार्शल सहित तीन आरोपियों पर धारा 12A के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस थानेदार से मिली जानकारी के अनुसार यह बीट मार्शल सट्टा चलाने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय खुद उसके पास सट्टा लगाता था। सट्टा चालक 40 वर्षीय आरोपी दुकानदार मंगेश संभाजी बामने का रामेश्वरी रिंग रोड पर श्रीकृष्ण डेयरी एंड जनरल स्टोर्स है, जहां पर दुकान की आड़ में वह सट्टा लगाने का काम करता था। उस पर की गई कार्रवाई के बाद उसके पास से जब्त किया गया मोबाइल खंगालने के बाद बीट मार्शल मनोहर काशीनाथ मुलमुले उम्र 42 वर्षीय द्वारा सट्टा लगाने के लिए ऑनलाइन पैसे दिए जाने की जानकारी सामने आने पर पुलिस परिमंडल 4 की नवयुक्त पुलिस उपायुक्त रश्मिता राव के आदेश पर बीट मार्शल मनोहर मुलमुले, दुकानदार मंगेश चावन और उसकी दुकान के नौकर मनीष माता प्रसाद प्रजापति उम्र 26 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। परिमंडल 4 का पदभार संभालते ही पुलिस उपायुक्त रश्मिता राव ने अवैध धंधे वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शंखनाद न्यूज के लिए सनी भोंगाडे की रिपोर्ट। धन्यवाद। दिनांक 10/9/2024 को हमारे नवीन उपायुक्त जोन 4 के माननीय रश्मिता राव सर ये ज्वाइन हुए और इनको गोपनीय माहिती माहितीवार द्वारा माहिती मिली कि पार्वती नगर गली नंबर 5 में एक जगह सट्टा खेला जा रहा है। तो ऐसी गोपनीय माहिती सर ने हम लोगों को दिए। तो हम लोगों को माहिती मिलने के बाद मैंने मेरे जो एनसीसीआरपी में जो साइबर का काम देखते हैं पुलिस उपनिरीक्षक सुशांत उपाध्याय और गोपनीय कर्मचारी चेतन एडके, इन लोगों को इस काम में ये रेड करने के लिए भेजा। तो जैसे ही ये लोग वहाँ सादे लिबास में पहुँचे तो इनको जो है मंगेश संभाजी बावने और उसके बाद मनीष माता प्रसाद प्रजापति, ये दो लोग वहाँ पे अवैध रीत्या एक वर्ली सट्टा पट्टी का काम करते हुए दिखे। तो इन लोगों ने दो पंचों को वहाँ बुलाए और दो पंचों को बुलाकर वहाँ पर अधिकृत रीत्या रेड किए। तो रेड करने के बाद इनके पास से मोबाइल कैश और सब मिला के 25,648 रुपये का मुद्देमाल बरामद हुआ। और पुलिस स्टेशन में आके अपराध क्रमांक 493/24 कलम 12A के हिसाब से इन दोनों पे अपराध दर्ज किया गया। वैसे उसमें एक माननीय पुलिस उपायुक्त सर ने जब यहाँ पे विजिट दिए तो इस होने के दरम्यान तो उनको और हम लोगों को आरोपी के मोबाइल में एक पुलिस अमलदार का भी ये दिखा, मैसेजेस दिखे, तो उनको भी इस कोने में आरोपी बनाया गया। हाँ, वो उनका पुराने 10 से 12 गुने उन लोगों पे दाखिल है और श्रीकृष्ण डेयरी है पार्वती गली नंबर 5 में, वहाँ वो डेयरी के आड़ में ये काम करते थे और इसके पहले 2023 तक उनके ऊपर गुने दाखिल है, 24 में पहले ही गुना दाखिल हुआ है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।